अभी गर्मी की ऋतु है और गर्मी में शरीर में बहुत पसीना आने लगता है, दिल घबराने लगता है, एंजाइटी हो जाती है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी तो इतनी बेचैनी हो जाती है कि आदमी बेहोश तक हो जाता है। और बहुत ज़्यादा सर्दी से, बहुत ज़्यादा गर्मी से लोगों की मौत तक हो जाती है। गर्मी से बचने के लिए राजस्थान में ज़्यादातर लोग प्याज खाते हैं, वह एक उपाय। लेकिन जैसे मैं प्याज नहीं खाता, हमारे जैन बंधु प्याज नहीं खाते, वो क्या करें? फिर वो घाट की राबड़ी खाते। घाट की राबड़ी माने जो बार्ले जिसको बोलते हैं, जो को दलिया बना करके उबाल करके और थोड़ा उसमें दही छाछ डाल करके पी लेते हैं, उससे पेट बिल्कुल अच्छा रहता है, गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है और सबसे सात्विक आहार माना जाता है जो को। किसी किसी को तो वो घाट की राबड़ी, जो की राबड़ी पीने से भी नशा होने लगता है। तो जो का दलिया खा लो। नेशनल लेवल पर हमने जो का दलिया पतंजलि से पहली बार उपलब्ध करवाया, उससे शरीर में ठंडक रहती है, बीपी नहीं बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स नहीं होती है, मूत्र रोग नहीं होते हैं। जो का दलिया जो कभी कभी खा लेते हैं सप्ताह में एक बार भी, उनको कभी किडनी स्टोन नहीं होंगे, गॉल स्टोन नहीं होंगे, कैल्शियम डिपोजिशन हार्ट में किडनी में कई जगह हो जाता है। तो जो जो है बॉडी को क्लीन कर देता है सिस्टम को। खैर, अब आपको मैं ठंडक देने वाली प्राणायाम बताता हूँ। हम उसके लिए बहुत से उपाय बताते हैं, बहुत प्रकार के आयुर्वेद में शरबत बनाते हैं, ब्राह्मी का शरबत, आंवले का शरबत, बेल का शरबत, बेल भी पीते हैं लोग, नींबू पानी भी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, बहुत तरह के उपाय हैं। यौगिक उपाय बता रहा हूँ। जिह्वा को बाहर निकालिए और ऐसे चोंच जैसी बना करके थोड़ी देर रोक भी सकते हैं, और बहुत ज्यादा घबराहट हो रही हो, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, कई बार माथा भी बहुत गर्म हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है, उसके लिए इसको बस मुंह से ले और नाक से छोड़ दे। अभी तो सुबह सुबह का वातावरण बहुत अच्छा है, दिन में जब बहुत गर्मी लग रही हो तब करके देखना, एकदम से आपको रिलैक्स। जीभ को पूरा निकालो, इसको बीच से दबा लो, चोंच जैसी बना लो। यह शीतली, क्या नाम है प्राणायाम का बोलिए? शीतली, शीतल कर देता है। माताओं बहनों को भी जब पीरियड बंद होने का वक्त आता है, मेनोपॉज के समय हॉट फ्लैशेस होने लगते हैं, पूरी शरीर में अनियंत्रित रूप से गर्मी बढ़ने लगती है, बहुत बेचैनी होती है, किसी भी प्रकार किसी के हाथों में पैरों में बहुत पसीना आता है। इसके लिए एक उपाय और भी मैं बताता हूँ, शीशम के पत्तों को घोट करके पी लो। शीशम, पीपल और बेल, इनके पत्तों को पीस करके शरबत जैसा बना करके पी लेने से पूरे शरीर में ठंडक आती है और ब्लड प्रेशर से लेकर के ये हाई बीपी से लेकर के और शरीर में गर्मी से होने वाले जितने भी रोग हैं सब में फायदा होता है। शीतली की बात दूसरा प्राणायाम है ये, इसको 5-7-11 बार तक कर सकते हैं, दांत बंद होठ खुले हुए, मुंह से श्वास लेंगे सी सी करते हुए। इसका नाम शीतकारी, शीतकारी। बुरा बुरा थोड़ी देर रोक के रखा, नाक से छोड़ दिया,
बहुत ठंडक लगती है, जिनका गला खराब हो सर्दी जुकाम हो रखा हो वो मत करना। सिरहन सी होने लगती, एक कंपन सी होने लगती है यदि ज्यादा वार करे तो, इतना जबरदस्त इसका लाभ है। शीत ही शीतकारी दो प्राणायाम हो गए। तीसरा खास प्राणायाम है, इसका नाम है चंद्रभेदी। बायां चंद्र स्वर है, दाहिना सूर्य स्वर है। बाएं को इड़ा, दाहिने को पिंगला, बाएं को गंगा, दाहिने को यमुना, बीच में सरस्वती। इड़ा पिंगला सुषुम्ना, गंगा यमुना सरस्वती। बायां चंद्र स्वर, दाहिना सूर्य स्वर। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, इस जगत में दो ही बड़ी शक्तियां हैं, एक को बोलते हैं अग्नि, दूसरे को बोलते हैं सोम। बायां ये सोम शक्ति है, दायां ये अग्नि शक्ति है, ये चंद्र ये सूर्य। दायां हाथ उठाएंगे, दायां को बंद करेंगे, बाएं से धीरे धीरे सांस लेंगे। जिनको हाइपरटेंशन है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, बहुत घबराहट रहती है, वो ये करना है। तीनों प्राणायाम खास शीत शीतकारी और ये चंद्र भेदी। बाएं से धीरे धीरे लो, बहुत धीरे भरना है, जल्दी नहीं। अब थोड़ी देर रोक के रखिए। हृदय से छोड़ दीजिए, धीरे धीरे छोड़ना, फिर बाएं से लेना दूसरा राउंड, धीरे धीरे लेना, साउंडलेस ब्रीदिंग, ध्वनि रहित प्राण की गति। फेफड़ा पूरा भर जाता है ऐसे श्वास, तो सीना सामने उभर जाता है, तो भर जाता है, तो थोड़ा ठोड़ी को झुकाते हैं तो ज्यादा अंदर बंद लग जाता है। दाएं से धीरे धीरे छोड़ा, यथाशक्ति धीरे धीरे भरना, यथाशक्ति अंदर रोके रखना। इसमें कोई टाइमिंग की पाबंदी नहीं है कि इतनी देर में भरना, इतनी देर रोके रखना, इतनी देर में छोड़ना। यथाशक्ति धीरे धीरे लेना, यथाशक्ति अंदर रोके रखना, यथाशक्ति बाहर। तो बार बार बाएं से लेना, अंदर रोके रखना, दाएं से छोड़ना, ये हो गया चंद्रभेदी। तो तीन प्राणायाम उच्च रक्तचाप के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, घबराहट के लिए, गर्मी के लिए, पित्त रोगों के प्रशमन के लिए जरूरी।